वेलकम टू सोशल फ्रेंड। यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं आज रेवी मेनू को। इससे पहले मैंने डेटा मेनू, फार्मूला मेनू और बाकी मेनू को मैंने कवर कर लिया, ठीक है। अब मैं कवर करने वाला हूँ रेवी मेनू को। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर आप एमएस वर्ड का पूरा सेशन जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आप प्ले स्टोर पर एक बार विजिट करो, ठीक है। या टैली सीखना चाहते हो तो भी आप विजिट कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं स्पेलिंग। देखो स्पेलिंग का शॉर्टकट की क्या होता है, F7। एमएस वर्ड में भी यूज करते हैं तो भी इसका वही होता है शॉर्टकट की। मतलब हमने लिखा ग्रुप, ठीक है, GROUP, एक ग्रुप लिखा तो ये क्या है, सही है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर लेते हैं, ग्रुप, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ क्लिक करो और इस पे स्पेलिंग क्लिक करना। अब ये पूछेगा कि आपसे सिमिलर मीनिंग पूछेगा कि क्या आप ये लिख रहे थे या आप ये लिख रहे थे। यहाँ पे स्पेलिंग सही करना है तो आप क्या करो, चेंज करोगे, ठीक है। अगर इग्नोर करना है तो इग्नोर कर सकते हो, चेंज कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यस करो। इसके बाद क्या करना, रिसर्च। देखो रिसर्च के बारे में जानना चाहते हो, क्लिक करो इसके बारे में, यहाँ पे गो करो तो इससे रिलेटेड जो फॉर्म होंगे वो आ जाएंगे। ग्रुप मतलब कहते हैं कलेक्शन, क्लस्टर, असेंबली, ठीक है ना। क्राउड नाउन में देखो इसका ये पूरा पूरा बताता है कि अगर आप चाहते हो तो यहाँ देख सकते हो। इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट देखो, थीजर्स मतलब सिमिलर मीनिंग ढूंढना हो तो आप ढूंढ सकते हो। ऐसे मैंने एमएस वर्ड बताया है इसके बारे में, ठीक है, आप देख लेना जरूर। लिखा रोज, अब देखो सेलेक्ट करो, क्लिक किया। अब देखो रोज मतलब क्या होता है, यहाँ पे बता रहा है कि डिजाइन होता है, रोज स्टेट होता है, आप क्या चाहते हो वो आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है। इससे जो सिमिलर मीनिंग होंगे आप सेट कर सकते हो। आप चाहते हो कि यहाँ पर रोज की जगह, या मैं कुछ और लिख दूँ, मैंने लिख दिया ब्यूटी, ठीक है, लिख दिया ब्यूटी। अब क्या होगा, इसको सेलेक्ट करो, क्लिक किया और यहाँ पे गो करो। पूछा ये आप लिख रहे थे, हाँ। अब देखो इसमें से कुछ चाहिए आपको, ये वाला वर्ड चाहिए, ठीक है ना, गॉर्जियस, क्लिक करो, इंसर्ट कर दो तो आ जाएगा, समझ आया। इस तरीके से हम थ्रेजर का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है ट्रांसलेट है। ट्रांसलेट क्या होता है, अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप ये जो वर्ड कुछ भी लिख रहे हो ना उसको आप किसी भी लैंग्वेज में चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, ट्रांसलेट पर क्लिक करोगे और आपको लैंग्वेज पहले सेट करना होगा, ठीक है। लैंग्वेज सेट करोगे उसके बाद आप चेक कर सकते हो, या ऑफलाइन कुछ आपको दिख रहेगा तो दिख जाएगा, ठीक है। ग्रुप पर होता है इसका वर्ड देखोगे तो, ठीक है, ओके। तो कोई आपको कुछ बता देता है कि इसका नाउन क्या होगा और ट्रांजिटिव वर्ब क्या होगा वो बता देता है। इसके बाद बात करेंगे हम कमेंट। अगर मान लो यहाँ पे कमेंट लगाना चाहते हो, किसी के बारे में बताना चाहते हो तो यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है ना। ग्रुप इज अ बता सकते हो मेंबर, मेंबर मतलब भी ग्रुप होता है, ग्रुप इज अ पर्सन, या कुछ भी लिख सकते हो आपकी मर्जी, या लिख देना, ठीक है ना। हमने लिखते पर्सन, आप जितना चाहो कमेंट लगा सकते हो, क्लिक करो। रोज के बारे में लिख दिया चिक रोज, देखो यहाँ पे ले जाओ कर्सर आपको दिख जाएगा। तो कमेंट जहाँ चाहोगे, आप चाहते हो कि सीट पे वो चीज़ डिटेल ना हो, ठीक है, ऐसा कोई डिटेल जो सीट पे ना दिखे और कमेंट बॉक्स में दिखे, तो आप इसका इस्तेमाल कर लेना। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोटेक्ट सीट, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू कर लेते हैं, लेकिन इसको मैं सोचता हूँ कि इसका नेक्स्ट वीडियो रखूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।